हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए, हमने आलू कद्दूकस किए हैं और इन्हें 10 से 15 मिनट तक पंखे के नीचे रख दिया था, जिससे इनका पानी सूख जाए अच्छे से। और ये हमने चने रात भर भिगो के रख दिए थे और इनका पानी 2 से 3 बार पानी से धुल लिया और उसके बाद पानी हटा दिया था। ये हमने कढ़ाई रख दी है और जो ऑयल गरम हो चुका है, रिफाइंड ऑयल है। इसमें हम आलू जो हमने कद्दूकस करके रखे हैं वो हमने इसमें डाल दिए हैं। और देखिए, इनका कलर चेंज हो गया है। इन्हें हम अच्छे से फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक, जब तक ये कुरकुरे नहीं हो जाते। इन्हें हम अच्छे से पकाएंगे। इन्हें हमने 3 से 4 बार पानी से धुला है। पानी से धुलने के बाद इसे हमने हवा में सुखाया है अच्छे से। जब तक आप इसे अच्छे से सुखाएंगे नहीं, तब तक ये मुरमुरे नहीं होंगे, कुरकुरे नहीं होंगे। और ये जब कुरकुरे हो जाएंगे तभी ये चाट में अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ब्राउन होने लगे हैं, कलर इनका चेंज होने लगा है। ये जब खूब अच्छे से ब्राउन कलर के हो जाएंगे तभी हमें इन्हें निकालना है। ये देखें, कुरकुरे हो चुके हैं, ब्राउन कलर भी हो गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, ऑयल को अच्छे से इसी में ऑयल से अच्छे से निकाल लेंगे। ये हमने ऑयल भी देखिए कम कर दिया है। इसी तेल में ही हम ये चने छोंक देंगे। ये हमने जीरा तड़के के लिए 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, 2 से 3 लाल मिर्च खड़ी डाली हैं। अब इसे हमने इसमें चने डाल दिए हैं। चने के साथ ही अब हम इसमें ये हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। अब इसमें हम तुरंत ही डाल देंगे नमक। नमक डाल देंगे तो जल्दी से चना ये जो है वो पक जाएंगे। और ये अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे अब हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए, कलर भी चेंज हो चुका है। और ये देखिए, ये लग तो रहा है कि अच्छे से ये पक गए होंगे। ये देखिए, अच्छे से लग रहा है पक गए होंगे और ये ब्राउन कलर के हो गए हैं। पहले रेड कलर के थे। अब देखिए, हम देख लेते हैं हाथ से कि ये पके हैं कि नहीं पके हैं। ये चाट बहुत अच्छी लगती है खाने में, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छी लगती है। और ये हम तो आज ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह बना रहे हैं। आप किसी भी टाइम बना सकते हैं, सुबह भी बना सकते हैं, आप शाम के 4 बजे भी ये नाश्ता अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, ये हमने आधे चने निकाल लिए हैं हमने, क्योंकि हम और मेरी मम्मी जो मेरी सासू माँ हैं वो दो लोग प्याज नहीं खाते हैं। भैया और बेटा और मेरे पति जो, ये दो लोग प्याज खाते हैं, इसलिए हमने आधे आधे कर लिए हैं। ये हमने डाल दिया है 1 प्याज जो हमने छोटा छोटा कट किया है, और एक टमाटर, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। ये हम इसमें देखिए ऊपर से डाल दे रहे हैं चाट। ये हमने डाल दिया है भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, ये 1/2 चम्मच है चाट मसाला। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है चाट। ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में भी टेस्टी लगती है। अब हम इसमें वो जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे वो हम आलू इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत टेस्टी लगती है ये चाट और हेल्दी भी होती है। ये अब हम देखिए एक प्लेट में निकाल के ये सर्व करके हम बेटे को दे रहे हैं। ये इस तरह से हम इसे सर्व करेंगे। देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
आपके अपने प्यारे कमेंट से हमें बताइए कि आपको ये चाट कैसी लगी। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।